हाँ तो भाई आ जाओ, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ बैठ के। हाँ तो स्टोरी की शुरुआत होती है कि भाई मुझे शहर का केओस बिल्कुल पसंद नहीं। ये तो हम ह्यूमंस के ही बनाई हुई दुनियादारी है। गेम्स के रूल्स हैं कि इसी केओस में रहकर काम करना पड़ता है। बट यहाँ आते हैं तुम्हारे दोस्त जो तुम्हें हर बार जरूरत पड़ने पर इस केओस से बाहर निकालते हैं, डिटॉक्स करते हैं और तुम्हारी जिंदगी की झोली में कुछ मौज मस्ती के अनफॉरगेटेबल मोमेंट्स डाल देते हैं। कुछ समझ आया? तो ये कहानी बॉयज ट्रिप पर आधारित है। अब आते हैं मेन पॉइंट पे। मुझे जिंदगी ना मिलेगी दोबारा मूवी बहुत पसंद है, बस बताना था। तो चलिए स्टोरी के करेक्टर्स से इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। ये भरत है। इसका इस कहानी में बस यही रोल है कि ये इस प्लान की बातचीत का हिस्सा है और ये वही दोस्त है जो एंड में आकर यही बोलेगा, अब्बा नहीं मानेंगे। और ये है हमारा शरीफ लड़का तरुण। ये बिल्कुल जिंदगी ना मिलेगी दोबारा का अभय देओल। हाँ अभय देओल है। और ये है मेरा बेस्ट फ्रेंड शिवम, AKA बंटू। बंटू क्यों ये थोड़ी आगे बताऊंगा। और ये आपका भाई, इस स्टोरी का हीरो प्रोटैगनिस्ट चंटू। आपने स्टाइल मूवी देखी है? चंटू बंटू से। हाँ तो भाई इसने मुझे एक दिन वेले बैठे हुए मैसेज किया कि फ्री है। मैंने बोला हाँ। उसने बोला कहीं घूमने चलें। मैंने बोला ओके। सिंपल है बॉस, बॉयज ट्रिप है, इतनी कंफर्मेशन काफी है। ऐसा कुछ प्लान ट्रिप नहीं है, बस दोस्तों के साथ कहीं दूर जाकर मौज मस्ती और बकैती करनी है। सिंपल है बॉस, बॉयज थिंग्स। और इस कॉन्वर्सेशन के 3 घंटे बाद हम तीनों अपनी कार में थे अपनी डेस्टिनेशन पर जाने के लिए। हाँ तो इतने लंबे सफर और ड्राइविंग के बाद हम अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच गए और ये है हमारा रिजॉर्ट की रिसेप्शन। हाँ बट अगले दिन क्या हुआ वो जानने के लिए तो भाई हम आए थे घूमने जिम कॉर्बेट में और हम कहीं पर भी घूमने चले जाएं, लेकिन जेठालाल देखना इज परमानेंट।